नमस्कार आपण देखुछन्ति भारत 360 सप्तम पर्याय बैठक रे चासिंग को सफा सफा सुनाई देले सरकार कोनोसी परिस्थिति रे आइन हटिबो नाही दरकार पड़िले संशोधन करा जीव पछे आइन हटिबो नाही बोली कहिछन्ति सरकार 8 तारीख रे पूर्णी बसिबो बैठक सेबे सरकार को अभिमुख्य परे चासी माने भी सेमान को अभिमुख्य टाण करिछन्ति आंदोलन जारी रहिबो बोली सेमाने स्पष्ट करि दैछन्ति ना सरकार मुंड नुआउछंती ना निज जिद्रु हटुछंती चासी नुआ कृषि आईन प्रसंगरे चासी सरकार सप्तम पर्याय आलोचना रे भी किछि सिद्धांत होई परि नाही आईन कोनोसी परिस्थिति रे हटिबोनी बरंग दरकार हेले संशोधन करा जिवो बोली सरकार कहितबा बेले कृषक संगठन किंतु विवादीय तीनटी अनुच्छेद प्रत्याहार सह एमएसपी नै लिखित प्रतिश्रुति जिद्रे अटल रहिछंती 8 तारीख रे पुणि बसिबो बैठक आज किसान यूनियन के साथ चर्चा हुई उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके इसी पर बात चलती रही थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 31 तारीख बैठक में नुआ कृषि आईन में थिबा विद्युत बिल और कुटा पुड़ी संक्रांत अनुच्छेद होल्ड रे रखी सरकार कहिथिले आलोचना अधा सफल होईछि 4 तारीख बैठक में पूरा होइजबो चासी माने मध्य सेमानको जिद्रे अटल अछन्ति विवादीय अनुच्छेद प्रत्याहार एवं एमएसपी संपर्क रे लिखित प्रतिश्रुति प्रसंग रे सेमाने ओडी बसिछंती 8 तारीख में फिर बातचीत होगी ठीक है और दोनों चीजों पे बातचीत होगी एमएसपी पे सरकार ने क्या कहा हुई के जो 3 बिल है उसमें बातचीत हुई और दोनों उसमें लंच के पहले आगे मोबाइल उठे करो ना आगे आप मुंह के आगे दोनों इशू पे मोबाइल रखो और 3 कानून को वापसी लेने पे चाषी और सरकार का मध्य सहमति हो पार ना बेले मंगलवार सुप्रीम कोर्ट शुणानी चाषी पुलिस बर्बरता को विरोध कर पंजाब 35 जन छात्र प्रधान विचारपति पाखक चिठी लिखिंट जहां कोर्ट जनस्वार्थ मामला भाव ग्रहण कर तेरे सर्वोच्च कोर्ट शुणी पर चाषी मैंने 6 तारीख रु 26 तारीख जाए घोषणा कर आंदोलनात्मक एजेंडा को जोरदार ना प्रत्याहार करे स्पष्ट हो पूर्व बैठक बेले सप्तम पर्याय विज्ञान भवन बैठक को भी आंदोलनरत सब कृषक संगठन प्रतिनिधि आसीथिले सरकार पक्षरु कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रेल मंत्री पीयूष गोयल और शिल्प राष्ट्रमंत्री सुमान प्रकाश प्रतिनिधित्व करथिले चाषी महागर्जन 40 दिन में पहुंची बेले एवं सुधा 60 जन चाषी मृत्यु है तेरे बैठक पूर्व मृत चाषी अमर आत्मार सद्गति निम्ते होता 2 मिनिट्र नीरव प्रार्थना प्रथम ही चाषी मैंने सरकार दे खाद्य खावा को मना कर प्रतिथर बैठक बेले संगठन ही से खाद्य व्यवस्था करुच्छे तेरे गत थर मंत्री चाषी हाथरंधा खाई भी एथर खाई जहां स्पष्ट कर सरकार लंच डिप्लोमासी फेल हो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया चासी आंदोलन नहीं आज विवृति जारी करेछि रिलायंस कंपनी स्पष्ट करेछि प्रणयन होइथिबा 3टी कृषि आईन सह कंपनी रो कोनोसी संपर्क नहीं कंपनी कॉर्पोरेट फार्मिंग बा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सह कोनोसी उपाय रे जड़ित नहि एथिलागि कोनोसी जमी भी किणाबिका करि नहि किंबा आगो को भी किणिबार कोनोसी योजना नहि रिलायंस स्पष्ट करेछि कंपनी सीधासळख चासी कोठारु कोनोसी खाद्य शस्य क्रय करे नहि जोगाणकारी माने चासी कोठारु एमएसपी रे ए सबु किणि थांति सेपरि अल्प दर रे किणिबा लागि कोनोसी प्रकार दीर्घकालीन चुक्ति भी करि नहि कंपनी देशर चासी को अन्नदाता भाबे सम्मान दिए विनम्रतार सह आचरण करे केतेक विरोधी कंपनी नारे मिथ्या तथा तथ्य भ्रम सृष्टि करी चासी मानंकु उसुकाउछन्ति कृषक आंदोलन आड़े किछि दुर्वृत्त और व्यावसायिक प्रतिद्वंदी रिलायंस रो विभिन्न प्रतिष्ठान उपरे राग सुझाउछन्ति एमाने रिलायंस इंडस्ट्रीज रो सहयोगी कंपनी सहित
भंगारुजा गुंडागर्दी करेणु एठार काम करुवा हजार हजार कर्मचारी जीवन प्रति विपद रही प्रशासन हस्तक्षेप करने को दावी कर रिलायंस इंडस्ट्रीज सहयोगी कंपनी रिलायंस जिओ पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट में आवेदन होना इसने जो अपनी दी है तो उन्हें ठीक दी है, लोगों को इस चीज की समझ आनी चाहिए। और वो जब हमारे हाथ में ये कानून हम कुछ दें जो करें ना करें तो फिर उसमें क्या कोई धक्का तो है नहीं किसी तरह का, ऐसे ही बात बनाई जा रही है उसका कोई फायदा नहीं। रिलायंस की बात में दम है, वो कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर रही, ये तो उसको जानबूझ के नाम के साथ जोड़ा जा रहा है और कहीं किसी की जमीन पर कब्जा नहीं हो रहा, तो ये सारा भ्रम फैलाया जा रहा है और किसान को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए ये आज जल्दी फैसला हो जाए तो ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे अपने आप में, आज आपको बता रहा हूँ। विश्वर सर्वबृहत टीका कार्यक्रम भारत में आरंभ होगाकू जाउछि, एथिपाइं देश एहार वैज्ञानिक मानंक पाई गर्वित। जातीय पानीपाग कनक्लेव उद्घाटन करी कहिछन्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे वैज्ञानिकंकु प्रशंसा करिछन्ति। भारत में निर्मित उत्पादनगुड़िक उत्कृष्ट गुणवत्ता और विश्वस्तरीय ग्रहणीयता, यहसह जातीय आटमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य अनुष्ठान लोकाभिमुखी कराई। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल भारतीय स्टैंडर्ड टाइम को 2.8 नानो सेकेंड पर्यंत ठीक भावे दर्शाइबो। भारतीय निर्देशक द्रव्य संस्था विभिन्न गवेषणागारे होतिबा परीक्षा और व्यवहृत यंत्रांशर गुणात्मक मानक को अंतर्जातीय मानदंड अनुयायी प्रस्तुत करिबारे सहायक हेबो। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। हर देशवासी आप सभी वैज्ञानिकों का, टेक्नीशियनों का, सबका कृतज्ञ है। साथियों, आज उस समय को भी याद करने का दिन है जब हमारे वैज्ञानिक संस्थानों ने, आप सब ने कोरोना से मुकाबले के लिए वैक्सीन को विकसित करने के लिए दिन रात एक कर दिया। सीएसआईआर समेत अन्य संस्थानों ने एक साथ आकर हर चुनौती का सामना किया, नई नई परिस्थितियों के समाधान तलाशे। आपके इस समर्पण से आज देश में अपने इन साइंस इंस्टीट्यूशंस के प्रति जागरूकता और सम्मान का एक नया भाव पैदा हुआ है। कोरोना टीका कोविशील्ड और कोवैक्सीन को डीसीजीआई रे अनुमति परे आम राज्य रे तत्परता टीकाकरण पाई संपूर्ण प्रस्तुति सरीथिबा कहिसंती सरकार। प्राथमिक स्तर रे दिया जायथिबा डाटाबेस अनुसार टीका पाई केन्द्र निकट रे दाबी करिछि राज्य। हेले टीका केबे आसीबो स्पष्ट होई नथिले भी पहुंचिबा क्षणि टीकाकरण आरंभ हेबो बोली कहिछि स्वास्थ्य विभाग। राज्य रे कोरोना टीकाकरण पाई तत्परता, देश रे दिने दुई दिन रे हेबो टीका वितरण, टीका आसीबा क्षणि राज्य रे हेबो टीकाकरण। सेरम इंस्टीट्यूट रो कोविशील्ड एवं भारत बायोटेक रो कोवैक्सीन को जरूरी व्यवहार पाई मंजूरी परे आम राज्य रे तत्परता। प्रथम पर्याय रे प्रस्तुत स्वास्थ्यकर्मी को डाटा बेस अनुसार टीका देवा को केन्द्र को कहिसारिछि राज्य। परवर्ती अवस्था रे वयस्क ओ आगधाड़ी रो योद्धा को डाटा बेस प्रस्तुत करा जिवो। सेरम इंस्टीट्यूट पाखरे 5 कोटी टीका थिबारु दिने दुई दिन रे वितरण आरंभ करि पारे बोली कुहा जायछि। पूर्वरु सेरम इंस्टीट्यूट सीईओ अदर पुनावाला सहित कथा होई प्राथमिकता देवा को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अनुरोध करिथिले, तेणु प्रथम पर्याय रे टीका पाइबा पई आशा करिछि राज्य। कोविशील्ड टा हमरा कोन ए वैक्सीन न
माने प्रथम माने कोठ हिला ने एटा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेटिका थ्योरी करछि सेरम इंस्टीट्यूट एटा को मैन्युफैक्चरिंग बा थ्योरी करछि प्रस्तुत करछि भारत रे आर गुणवत्ता को कहिले जहा भी अपंत रिपोर्ट अछि सेटा रे सेटा 70% रु 90% जाय माने तार माने इफेक्टिव बेली परे से माने कहछन सेम कोवैक्सीन बर्तमान तृतीय पर्याय परीक्षा चली जहाँ भी इंटरिम रिपोर्ट अच्छी से कहते 90-95% पर्यंत से कार्यक्षम हो पार प्राथमिक पर्यायर प्राय 3,27,000 स्वास्थ्यकर्मी डाटा बेस प्रस्तुत तेरे केवे कोरोना टीका आसब स्पष्ट हो आसवा क्षण टीकाकरण जनस्वास्थ्य निर्देशक तबे राज्य ड्रग्स कंट्रोलर कहते जे उभय केन्द्र और राज्य समन्वय हेबो टीकाकरण किंतु घरै बिक्री उपरे ड्रग्स कंट्रोलर रो भूमिका रहिबो सरकार को गाइडलाइन आसीबा परे ही घरै वितरण पई प्रक्रिया आरंभ हेबो जहां गाइडलाइंस देबे से अनुसार हमें प्रोसीड करिवो वैक्सीन केमती डिस्ट्रीब्यूट हबो केमती दिया जिवो अकॉर्डिंगली हमें करिवो नहीं जेते बेले मार्केट को आसीबो डिस्ट्रीब्यूशन हम से देखू तार गोटे प्रोसीजर अच्छी डीजीसी कल आप्रूव कर सरकार सरकार एग्रीमेंट हवा दरकार आम सरकार सप्लाई करूँ सेमती कौन सी देदेव ना से प्राइवेट कंपनी सरकार एग्रीमेंट हे के देते कई रेट्रे देते सी है टीकाकरण ड्राई रन शेष होता बेले प्रथम पर्यायर 21 लाख सीरीज और 26 आईएलआर आसी सारी खुब शीघ्र अगर सरंजाम आसो एपरिक राज्य ब्लॉक स्तर पर्यंत व्यवस्था को चूड़ा रूप दि सर भुवनेश्वर कैमेरामैन गौरव प्रसाद राजगुरु अजेश मल्लिक न्यूज 18 ओडिया समय को ब्रेक रो ब्रेक पर देखिबा आउ किछि खबर राज्य में खूब शीघ्र उपलब्ध हेबो कोरोना टीका स्वास्थ्य मंत्री नव दास कहिछंती जनवरी शेष सप्ताह नचे फेब्रुआरी प्रथम सप्ताह सुधा कोरोना टीका उपलब्ध हेबो टीका प्रथम स्वास्थ्यकर्मी और 60 वर्षर ऊर्ध व्यक्ति को दिजिव एथिपाई समस्त प्रस्तुति शेष होइछि एथिसह टीका रखापी समस्त जिले में शीतल भंडार प्रस्तुत स्वास्थ्य मंत्री मोर दृढ़ विश्वास आमर डेमो सरी जाइछि ट्रायल मध्य सरी जाइछि एवं मो डिपार्टमेंट एवं मो सरकार टीकाकरण पर संपूर्ण प्रस्तुत अच्छी मोर दृढ़ आशा ए मास शेष सुधा निश्चय टीका आसी पहुंची पारे सठिक भाव में कही पारिनी बट मुझे आशा रखुची ए मस 30 तारीख सुधा और मैक्सीम फेब्रुआरी फास्ट विक पर्यटन टीकाकरण निश्चय आस आगु कही सारी प्रथम कोरोना योद्धा को दिजावर ओडिशा सरकार और केन्द्र सरकार भितर कथबार्ता चली सेकेंड फेज रे कौन निर्देश आसु राज्य सरकार प्रस्तुत अच्छी जहाँ निर्देश आसो आम कार्यकारी कर समस्त आम समस्त जहाँ जहाँ व्यवस्था करने कथा मुझे आगु आप गोटे लिस्ट भी देती जे आमर केतोटी शीतल भंडार ठीक कराई केतोटी जगह डेमो कराई सबू जिला हॉस्पिटल मानक डेमो भी सरी जाए तेणु मोर सरकार माय डिपार्टमेंट विद द लीडरशिप ऑफ माय चीफ मिनिस्टर वी आर प्रिपेयर पारादीप मोनो एथिलीन ग्लाइकोल एमईजी प्रकल्प गुजरात रु आसीबो उपकरण हाजरारु जहाजरे पारादीप को आसीबो गुरुत्वपूर्ण उपकरण जहाँ शुभारंभ करिछंती केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान 2021 सुधा पारादीप रिफाइनरी रे कार्यक्षम हेबो एमईजी प्रकल्प जो 5,654 कोटी टंकार पूंजी निवेश हेबो शुभारंभ बेले धर्मेन्द्र कहिछंती एमईजी प्रकल्प ओडिशा विकास रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका नेबो ओडिशा रे डाउनस्ट्रीम शिल्प को विकसित करिबा लक्ष्य रखा जाइछि भद्रक धामरा रे टेक्सटाइल पार्क पई एहा कंचामाल जोगाइबो पूर्व भारत रो टेक्सटाइल शिल्प को प्रोत्साहन देबाकु योजना रखा जाइछि इंडियन ऑयल 5 वर्ष रे राज्य रे 41,000 कोटी रो पूंजी खटाई धर्मेन्द्र कहिछंती अंधविश्वास करुण परिणति डाहाणी सन्देह गोटे परिवार समस्त सदस्य माड़ मारी गांव तड़ीदे गांव लोके चारिदिन हेबो रास्ता तले जाइथिबा होम पाइप रे परिवार लोक काटुछंती दिन बालेश्वर जिला बालियापाड़ थानार महिषा मुंडा गांव ए घटना एबे समस्त को करिछि मर्माहत सीमा टोपिला बर्बरता अंधविश्वास करुण परिणति अमानवीय निंदनीय
कलभर तले थिबा होम पाइप रे आश्रय नेथिबा ई परिवार को देखंतु केते भय आउ असहाय अवस्था घर द्वार थाई भी ए माने बेसहारा डाहाणी संदेह रे एमानकु माड़ मारी भिटा माटी रु तड़ी दे जैछि अंधविश्वास आउ कुसंस्कार रो शिकार होचंती बालेश्वर जिला बालियापाल थाना श्रीरामपुर पंचायत मोहिसामुंडा गांव रो लुस्कु टुडुंक परिवार लुस्कु स्त्री रुक्मिणी टुडु एवं आठ वर्ष नाबालक पुओ को डाहाणी संदेह गाँव रु तड़ी दि जाइए किसी मस पूर्व लुस्कु बड़ भाई दुई पु रोग से पड़ प्राण हर अभोग कि लुस्कुर स्त्री रुक्मिणी दुईज मृत्यु होपर गाँ लोके लुस्कु और रुक्मिणी को एक तांत्रिक पाख को नहींिक पूजापाठ कर डाहाणी बोली कही उभय स्वामी स्त्री को मारपीट करने सहित डाहाणी बोली जोर जबरदस्त साधा कागज लिखि से मानकर टीप चिन्ह नहीं जाते डाणी सन्देह करके गोर तड़ी देते ग्रामवासी मैंने तड़ी देते घर वंश मिस तड़ी गोटे मिछ पेपर में आम पाखु सैन मारी नहीं तेणु वंश लोक आ ग्रामवासी मिसिक ठेगा लाठी शावल धरी आमको घर तड़ी दे सरपंच को कही सरपंच कहला गाँ लोक तो एकजुट होती मु पारिनी तुम्हें कई गड़िया आड़ी पोखरी आड़ी देखिकी तुम्हें रही जाओ से आड़ मंगलवार दिन तड़ी दिखाई से आसिक अच्छा डाणी सन्देह तड़ी दिखाई तार न्याय पाऊ तार कम ता घर जापर रही पार तड़ी दिखाई लुस्कु एवं सहपरिवार गाँ छाड़ी अन्य एक गाँव में रास्ता तले बिछा देखा होम पाइप तले चार दिन हो आश्रय नहीं भोक उपास हाड़भंगा शीत दयनीय अवस्था रोचे बालियापाल तहसिलदार कहते कि पूरा परिवार एवं प्रशासन हेफाजत अच्छी स्थानीय सरपंच को लुस्कुर परिवार प्रति सुरक्षा जगह देवा सहित सहायता निर्देश दिया दी अभियोग कले दोषी विरोध में दृढ़ कार्यानुषान एटा तो बहुत ही निंदा कथा कि आज यही कोरोना टाइम रे एमती घर बाहर करदे आउ दुनिया रे आजिकल डाहानी जिनसटा एटा अच्छी बोली कि लोक मान भूल धारणा एक्शन हबार कथा जे माने एमती तांको प्रति अत्याचार करूचंती तांको प्रति निहाती एक्शन हबार कथा जे जे माने मरी जोंती से माने रोग निरूपण हे परनि बा एमती किछ डाहानी रे मृत्यु हेबी के बा आजिकल समाज रे नाही तोड़ काम करू ता कोने से रोहू गाँव में रोहू एवं से भल भाव रोहू तापर आम कौन व्यवस्था करवा कि राजी है ना कौन प्रकार कौन परिस्थित समस्त समस्त जाति एक थे एठ जेड समस्त शहर शहे थे रखा दे घर रखाई तो बाहर काढ़ी गोटे घर रखाई से सरपंच दायित्व दिखाई है सरपंच नहीं रखी गोटे जगह है लोक कम्प्लेन दब से लोक एफआईआर दे ना एफआईआर दे एकविंश शताब्दी भी कुसंस्कार और अंधविश्वास को छाड़ी पारुनी मनीष तेरे घटना को चार दिन बीती एभली एक संवेदनशील घटना प्रशासन केमी जापारे ताबे सबुठ बड़ प्रश्न बालेश्वर सत्यजित सेनापति न्यूज 18 ओडिया समय सरी भारत 360 को ये रखु अधिक खबर देखा लगअन करूँ न्यूज 18 ओडिया .com आम फेसबुक पेज स्लैश न्यूज 18 ओडिया आम ट्विटर आईडी @ न्यूज 18 ओडिया आम यूट्यूब चैनल स्लैश न्यूज 18 ओडिया नमस्कार।